वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज हम एक स्पेशल रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो मुगल कोरमा रेसिपी है। देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है और इसका मसाला भी कितना अच्छे से बना है, कितना क्रीमी है। देखिए चलिए तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमें मटन कोरमा बनाने के लिए चाहिए 300 ग्राम मटन, 2 स्लाइस की हुई प्याज, दही, हरा धनिया, थोड़े से काजू और ड्राई कोकोनट। इन दोनों को हम ग्राइंड कर लेंगे और रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और गरम मसाला है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने कुकर को रख लिया है और उसमें कुकिंग ऑयल डालूंगी। एक बड़ा चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, ये अच्छे से गर्म हो जाए। देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तब हम इसमें हमारी 2 कटी हुई ऑनियन को डालेंगे। इसे मैंने बारीक बारीक अच्छे से स्लाइस कर लिया है। अच्छे से भूनते हुए प्याज को थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज को पकने में थोड़ा सा वक्त लगता है। ये रेसिपी बनने में थोड़ा सा टाइम लेती है मगर खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। इसे आप व्हाइट राइस के साथ, पुलाव के साथ और पराठों के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। देखिए हमारी प्याज अभी हुई नहीं है और थोड़ा इसे भून लेंगे। देखिए हमारी प्याज अब हो चुकी है, मैं उसमें अदरक लहसुन डालूंगी। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी। इसे अदरक लहसुन को अच्छे से भून लेंगे। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। देखिए अच्छे से भून रही हूँ। अब इसमें मैं मटन डाल दूंगी। देखिए हम ऑयल में मटन को अच्छे से भून लेंगे ताकि इसकी सारी स्मेल चली जाए। मटन को हमें जब भी पकाना है ऑयल में अच्छे से भून लेना है। ऑयल में अच्छे से भूनते हुए हम चम्मच को चलाते रहेंगे और थोड़ा सा और इसे भूनेंगे। मैं अब इसमें सारे नमक, हल्दी और मिर्च डाल दूंगी और अच्छे से और एक बार चम्मच को हिला लेंगे। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे जो हमने 50 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है। मैंने दही लिया था लगभग एक कटोरी। इसे हम अच्छे से भून लेंगे और जो हमने काजू और कोकोनट का ये ग्राइंड किया था मसाला वो भी हम इसमें डाल लेंगे। डालकर अब हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि ये कोकोनट और काजू का पेस्ट अच्छे से भून जाए। चम्मच को चलाते रहे वरना ये नीचे, हमने इसमें काजू डाला है इसलिए वो नीचे जलने के चांसेस बहुत होते हैं, इसीलिए हमें नीचे से अच्छे से चम्मच को चलाते रहना है। चलाते हुए अच्छे से इसे भून लेंगे। इसका ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ जाए और अच्छे से भून जाए तब हम उसमें गरम मसाला और हरा धनिया ऐड करेंगे। अभी इसे भूनने में थोड़ा और वक्त लगेगा। देखिए अच्छे से भून चुका है और साइडों से ऑयल भी निकल आया है। अब हम इसमें जितना हमें कंसिस्टेंसी चाहिए उतना पानी डालेंगे। साइड से अच्छे से क्लीन करते हुए हम इसमें पानी डालेंगे। हमें जितना गाढ़ा या पतला होना है उतना हमें इसमें पानी डाल लेना है। ये रेसिपी थोड़ी गाढ़ी भी अच्छी लगती है। देखिए मैंने इतना पानी डाला है और थोड़ा इसमें डालूंगी ताकि पक के वो थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और
थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम इसको लिड लगाकर 2-3 विजिल आने तक हाई फ्लेम पर रखेंगे तो हमारी डिश रेडी हो जाएगी।